थाना पटेल नगर क्षेत्र पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पटेल नगर पुलिस ने अवैध स्मैक की तस्करी के इरादे से देहरादून आ रहे अभियुक्त को 65 ग्राम स्मैक, जिसकी मार्केट की कीमत लगभग 6,50,000 है, उसे चंदमणि चौक के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्त में आए अभियुक्त ने बताया कि वह सामान भगवानपुर हरिद्वार से खरीद कर लाया है और देहरादून के अलग अलग स्थानों, मोहल्लों में, सरकारी संस्थानों, स्कूल कॉलेजों में बेचने जा रहा था। बता दें कि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया है। तो वहीं डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर ने पुलिस टीम को 10,000 का इनाम दिया है। पटेल नगर थाना ने एक 65 ग्राम का एक स्मैक, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 6,50,000 रुपये की कीमत है, आंकी गई है, ये बरामद हुआ है। इसमें अभियुक्त से एक मोटरसाइकिल जिसके माध्यम से आ रहा था वो बरामद हुआ है। ये व्यक्ति अभियुक्त का नाम जो है दिलशाद है, ये भगवानपुर हरिद्वार का रहने वाला है और भगवानपुर से ही ये माल यहाँ लेके आकर के डिलीवरी करने वाला था। चंद्रबनी चौराहे पर इसको अरेस्ट किया गया, उसके निकट इसको अरेस्ट किया गया है और इसमें हम फर्दर काम कर रहे हैं। जो इसका जो मेन सोर्स है उसको भी हम डेवलप करके उसके अरेस्टिंग की हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। टीम को मेरी तरफ से लगभग जो है अच्छा काम किया है, तो 10,000 का इनाम मेरे टीम को सप्लाई करने वाला था। और जैसे मैंने पहले बताया कि स्रोत